कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वे घटना जो तुम्हारे अंतर मन ने स्वीकार कर ली है, पर तुम्हारा बाहरी वातावरण अभी उसे स्वीकार करने को तत्पर नहीं है। मेरे प्रिय, जिस वक्त तुम इस संदेश को प्राप्त करोगे, उसी वक्त से तुम्हारा बाहरी वातावरण बदलने की शुरुआत होगी। प्रिय पुण्य आत्माओं, नेत्र खोलो, देखो, वे तुम्हें बुला रहे हैं, जो तुम्हारे सुरक्षा कवच हैं, अर्थात देवदूत। वे आज तुम्हें सावधान करना चाहते हैं। एक चोर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वे तुम्हारी वस्तु तुमसे ही चुरा रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। ब्रह्मांड की इस चिट्ठी को आगे पढ़ने से पहले आपसे निवेदन किया जाता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना दिव्य सहयोग प्रदर्शित करें। ये हमारे प्रयास को मजबूती प्रदान करता है। मेरे प्रिय, अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, वे गंभीरता पूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए आने वाली खुशियों के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। वह चोर जो तुम्हारा शत्रु है, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है और तुम्हारी शक्ति को चुरा रहा है। मेरे प्रिय, वे एक अदृश्य चोर है जो माया द्वारा रचित है, और वह कली का भेजा हुआ दूत है, अर्थात कलयुग का साथी, जो अदृश्य होते हुए बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हारी शक्ति को बलपूर्वक चुरा लेता है और दिन प्रतिदिन शक्तिमान होता जा रहा है। मेरे प्रिय, यदि तुम सावधानी पूर्वक विचार करोगे तो पाओगे कि तुम बड़े ही उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपना दिन प्रारंभ करते हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, परंतु अकस्मात ही तुम्हारे समक्ष ऐसी वार्तालाप, ऐसा विवाद अथवा ऐसी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो तुम्हारी समस्त शक्ति को छीन लेती है। ना चाहते हुए भी तुम अपना समय और ऊर्जा ऐसी जगह लगा देते हो जो तुम करना ही नहीं चाहते थे, और दिन के अंत में तुम देखते हो कि तुम्हारा सिर भारी हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, या अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित ना करने से मन में उदासी आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, बीते कुछ दिनों से तुम्हारे साथ ये सब कुछ लगातार हो रहा है। वे तुम्हारी शक्ति को चुरा रहा है और तुम स्वयं पर दोषारोपण करते हुए स्वयं को विवश अथवा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान और तुम्हारे जीवन में होने जा रहे सकारात्मक बदलाव के लिए तुम्हें सही दिशा देने आ गया हूँ। कलयुग के घोर अंधकार में सत्य को स्वीकार करना उतना ही कठिन है जितना किसी नदी में गिरी हुई अंगूठी को ढूंढना। जो सत्य है वे दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वे सत्य नहीं है। इसलिए जो शाश्वत सर्वव्यापी परम चेतना परमात्मा है, तुम बार बार उनसे ही जुड़ने का प्रयत्न करो। हर 5 मिनट में स्वयं को स्मरण दिलाओ। वे उच्च शक्ति परमात्मा
तुमसे जुड़ी हुई है। जब तुम शाश्वत से जुड़ने का अभ्यास करोगे तब वह सब कुछ छूट जाएगा जो काल्पनिक या माया रचित है। अर्थात जिस वक्त व्यक्ति परम चेतना से जुड़ा होता है उस वक्त वे कली के दूत उस पर आक्रमण ही नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, दूसरा तरीका है, तुम अपने मन के विरुद्ध खड़े हो जाओ। जब जब तुम्हारा मन तुम्हें एक साथ कई कार्यों को करने की सुझाव दे तब तुम उसके विरुद्ध हो जाओ और उस धीमी आवाज को सुनो जो परमात्मा की है, जो तुम्हें सही मार्गदर्शन दे रही है। वह आवाज जो तुम्हारे आंसुओं की है, वह गूंज जो तुम्हारे हृदय की है, वह ध्वनि जो बारिश की बूंदों में है, तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए जो शक्ति परमात्मा तुम्हें दे रहे हैं उसे ग्रहण करो, क्योंकि तुम ही वह हो जो उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है जिसे तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। तुम अपने आप में विशेष हो। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुमने अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन अपनी अभिलाषा से किया या तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया? तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारणा क्या आज भी वही है जो कुछ वर्षों पूर्व थी? यदि तुम ध्यान पूर्वक विचार करोगे तो देखोगे तुम्हें हाथ पकड़कर इस मार्ग पर लाया गया। यही नहीं, तुम्हें हर कदम पर किसी दिव्य शक्ति ने दिशा प्रदान की है, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें जो दिव्य प्रकाश मार्गदर्शन के रूप में मिल रहा है उस पर चलते रहो। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे प्रिय, अपने जीवन में नए अनुभवों को आमंत्रित करो। हो सकता है तुम इसके लिए अभी तैयार ना हो, पर यह तुम्हें कुछ और अनुभव प्रदान करेंगे। अपने अंतर मन के ज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि वही दिव्य चेतना का ज्ञान है। एवरी न्यू बिगनिंग कम्स फ्रॉम अदर बिगनिंग्स एंड प्रत्येक नई शुरुआत दूसरे शुरुआत के अंत से होती है। इसलिए कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ पुराना खत्म होना आवश्यक है। तुम्हारा योगदान इतना होगा कि तुम उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति ही तो नए अध्याय को खोलने का प्रकाश देती है।